छात्रों आइए आज एक नया पाठ पढ़ते हैं। पाठ का शीर्षक है ढीले चुन लो और यह पाठ चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित है। इससे पहले हमने घड़ी के पुर्जे नामक पाठ पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे ढीले चुन लो। ढीले चुन लो यह भी एक प्रकार का निबंध है और इस निबंध में लेखक पुरानी अंधविश्वास से भरी हुई मान्यताओं के ऊपर चोट करता है। इसमें ढेले के माध्यम से जीवन साथी का चुनाव किया जाता है, जो कि रीति रिवाज के अनुसार ढेलों के माध्यम से जीवन भर के लिए अपने साथी का चुनाव लोग करते हैं। इस एक मान्यता है और इस मान्यता के ऊपर उन्होंने अपना विरोध प्रकट किया है। लेखक ने व्यंग्यात्मक ढंग से इस लेख को लिखा गया है। आइए देखते हैं इसमें क्या जानकारी देने का प्रयास किया गया है। तो इसमें पहला ये बताया गया कि शेक्सपियर का जो प्रसिद्ध नाटक है मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसमें पर्शिया अपने वर को बहुत ही सुंदर तरीके से चुनती है। और दूसरा यह बताया गया है कि बबुआ हरिश्चंद्र जो हिंदी साहित्य के जाने माने लेखक हैं, उनके द्वारा लिखित एक नाटक है दुर्लभ बंधु। दुर्लभ बंधु में किस प्रकार से अपने जीवन साथी का चुनाव किया जाता है, इसका जिक्र यहाँ पे किया गया है। दुर्लभ बंधु में यह जिक्र किया गया है कि पुरुषरी के सामने तीन पेटियां रखी जाती हैं, एक सोने की पेटी है, दूसरी चांदी की पेटी है और तीसरी लोहे की पेटी है। तो एक एक करके स्वयंवर के लिए व्यक्ति को आना पड़ता है और जो सही पेटी का चुनाव करता है उसी के साथ विवाह तय किया जाता है। तो तीनों पेटियां रखी हुई हैं। पहला जो व्यक्ति आता है वह अकड़बाज है, वह सोने की पेटी को चुनता है, वह खाली हाथ लौट जाता है। दूसरा लोभी और लालची किस्म का व्यक्ति, वह चांदी की पेटी को चुनता है और उसे भी खाली हाथ लौटना पड़ता है। तीसरा जो है वह सच्चा प्रेमी है और वह लोहे की पेटी को चुनता है, उसमें उसको प्रतिमा मिलती है और उसी के साथ उसका विवाह तय कर दिया जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार के तरीके हैं जो प्रचलित तरीके हैं, प्राचीन काल से परंपराओं के रूप में बनी चली आ रही हैं। इन तरीकों के अनुसार, इन मान्यताओं के अनुसार शादियाँ होती हैं और जीवन साथी का चुनाव किया जाता है, उसी का जिक्र इसमें किया गया है। तो प्राचीन काल में स्वयंवर का काफ़ी बोलबाला था और स्वयंवर के माध्यम से स्त्रियां जो हैं अपने वर चुना करती थी। तो धीरे धीरे इसमें काफ़ी बदलाव आते चले गए हैं और आज के समय में फिर ये बताया जा रहा है कि वैदिक काल में ये था कि लड़के को स्नातक समाप्त करने के पश्चात, अर्थात ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के पश्चात, अपनी शिक्षा समाप्त करने के पश्चात, वह नहा धो करके और नए वस्त्र धारण करके वह लड़की के घर जाता था और लड़की के बाप को एक गाय भेंट करता था, गाय तोहफे में देता था। और तो गाय देने के पश्चात वह उस लड़की के सामने कुछ अलग अलग प्रकार के ढेले रख दिया करता था। ढेले जो हैं वह अलग अलग जगहों से लाए गए होते थे और उन ढेलों के बारे में वह स्वयं जानता था कि वह ढेले वह कहाँ से लेके आया है। मिट्टी के टुकड़े, ढेले मतलब मिट्टी के टुकड़े। और लड़की को उन ढेलों को चुनना पड़ता था और उसे समझना पड़ता था। ये एक पहेली होती थी, उस पहेली को सुलझाना पड़ता था लड़की को। अगर लड़की सही ढेले का चुनाव करती है तो उसका विवाह उस लड़के के साथ हो जाएगा, ये मान्यता थी, ये विचार था, ये सोच थी एक तरह की। तो लड़की के सामने विभिन्न प्रकार के स्थानों से लाए हुए ढेलों को वह लड़का रख देता है और मान्यता यह है कि अगर बेदी की मिट्टी, बेदी अर्थात पूजन के लिए जो बेदी बनाई जाती है, उसकी मिट्टी अगर लड़की चुनती है तो यह माना जाता है कि लड़का जो है, होने वाला संतान जो है भविष्य में, वह वैदिक पंडित होगा, बुद्धिमान होगा, ज्ञानी होगा। और लड़की अगर गौशाला की मिट्टी चुनती है, गोबर की मिट्टी चुनती है, तो यह माना जाता है कि लड़का जो है, होने वाला संतान जो है वह पशु धनी होगा, पशुओं का धनी होगा। और अगर खेत से लाए हुए मिट्टी को लड़की चुनती है तो यह माना जाता है कि पुत्र जो है जमींदार होगा। और अगर गलती से लड़की ने श्मशान की मिट्टी को छू दिया, मसान की मिट्टी को छू दिया, तो यह मानना था कि वह उस लड़के के साथ उस लड़की का विवाह नहीं हो सकता है, क्योंकि वह लड़की जीवन भर उसको जलाती रहेगी। ये सारी मान्यताएं थीं। तो इस प्रकार मिट्टी के ढेलों, मिट्टी के टुकड़ों के आधार पे जीवन साथी का जो चुनाव किया जाता था, ये एक तरीका है जो प्रचलित था वैदिक युग में और आज भी लोग प्राचीन परंपराओं को अपनाते हैं और उन ढेलों के सहारे रिश्ते तय करते हैं, जिन ढेलों को उन्होंने अपनी आँखों से कभी देखा नहीं है। वो मिट्टी के बड़े बड़े ढेले जो ग्रह के रूप में, ग्रह और नक्षत्र के रूप में दूर कोसों दूर अंतरिक्ष में विराजमान है, राहु, केतु, चंद्र, फिर मंगल, बृहस्पति, इनके आधार पर जन्मकुंडलियाँ मिलाई जाती हैं और शादी विवाह तय
तय किए जाते हैं जिनको इंसान ने कभी अपनी आंखों से देखा नहीं है। वही लेखक कहते हैं कि उससे बेहतर तो ये परंपरा है जिसमें कम से कम लड़के ने जिन ढेलों को चुन कर लाया है वह यह तो जानता है कि उन ढेलों को वह कहाँ से चुन कर लाया है। तो इन अंधविश्वास से भरे परंपराओं के ऊपर चोट करने का प्रयास किया लेखक ने, और लेखक यह कहने का प्रयास कर रहा है कि इससे बेहतर है कि हम अपने जीवन साथी का चुनाव अपनी आँखों से परख कर, देख कर, सोच कर और समझ कर करें तो ज़्यादा बेहतर है बजाय इन दकियानुसी परंपराओं को अपनाने के। इसी के ऊपर उन्होंने प्रकाश डाला। इस तरह से ये पाठ का सारांश समाप्त हो जाता है। आइए प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं। प्रश्न भी बहुत ही आसान है और सारे प्रश्नों के जवाब सारांश में आपको मिल ही गए हैं। पहला प्रश्न है, वैदिक काल में हिंदुओं में कैसी लॉटरी चलती थी जिसका जिक्र लेखक ने किया है। तो जैसा कि मैंने पहले अभी आपको बताया है कि वैदिक काल में हिंदुओं में ऐसी लॉटरी चलती थी कि लड़का जो है स्नातक समाप्त करने के पश्चात, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के पश्चात, वह नहा धो करके और नए वस्त्र पहन करके लड़की के बाप के घर जाता था, उसे गाय भेंट किया करता था और लड़की के सामने अलग अलग जगहों से लाए हुए मिट्टी के ढेलों को रख दिया करता था। उन मिट्टी के ढेलों में से किसी एक स्थान की मिट्टी के ढेलों को लड़की को चुनना होता था। लड़की अगर सही चुनाव करती है तो उसी के आधार पर उसका भविष्य निर्णय होगा और विवाह तय कर दिया जाता था। तो इस प्रकार की लॉटरी लगती थी और उसमें जो पहली थी उसको सुलझाना पड़ता था लड़की को। ये वैदिक काल में प्रचलन था और परंपरा थी। दुर्लभ बंधु की पेटियों की कथा लिखी है। तो दुर्लभ बंधु के विषय में यह बताया गया है कि दुर्लभ बंधु नामक जो नाटक है यह हरिश्चंद्र जी ने लिखा था और इसमें यह जिक्र किया गया है कि विवाह के लिए एक एक करके जो प्रतिभागी जो हैं वह आगे बढ़ते थे और तीन प्रकार की पेटियां रखी जाती थी, एक सोने की पेटी, चांदी की पेटी और लोहे की पेटी। जो उचित पेटी को चुनता था जिसमें लड़की की प्रतिमा पाई जाती थी उसी के साथ उसका विवाह करवा दिया जाता था। ये भी एक प्रचलित पद्धति थी उस जमाने में। जीवन साथी का चुनाव मिट्टी के ढेलों पर छोड़ने के कौन कौन से फल प्राप्त होते थे? तो देखिए, जीवन साथी का चुनाव मिट्टी के ढेलों पर छोड़ने से जो फल प्राप्त होते थे इसका जिक्र किया गया है यहाँ पे। अगर लड़की जब खेत की मिट्टी को चुनती है तो पुत्र जमींदार पैदा होगा, ये फल प्राप्त होता था। अगर बेदी की मिट्टी को चुनती है तो ये माना जाता था कि जो होने वाला संतान है वह वैदिक पंडित बनेगा, और अगर गौशाला की मिट्टी को चुनती है तो माना जाता था कि वह पशुधनी बनेगा होने वाला संतान, और अगर शमशान की मिट्टी को छू लेती है तो ऐसा माना जाता था कि उसके साथ विवाह नहीं हो सकता है, वह जीवन भर उसको जलाती रहेगी। ऐसा नहीं है कि उसका विवाह कभी नहीं होगा, उस लड़की का विवाह उस लड़के के साथ नहीं होगा परंतु दूसरे लड़कों के साथ हो सकता है, ये बताया गया है। फिर चौथा प्रश्न है, मिट्टी के ढेलों के संदर्भ में कबीर की साखी की व्याख्या कीजिए। कबीर की साखी है, पत्थर पूजे हरि मिले तो तू पूछ पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। कबीरदास जी जाने माने कवि माने जाते हैं और वह उन्होंने समाज में जागरूकता उत्पन्न करने का बहुत बड़ा कार्य किया है। उन्होंने लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकालने का कार्य किया है। वह इन दोहों के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर पत्थर की पूजा करने से हरि प्राप्त होते हैं, भगवान की प्राप्ति होती है, तो इससे तो बेहतर है कि हम बहुत बड़े पहाड़ की पूजा करें ताकि हमारे अरमान जल्दी पूरे हो जाएं। वो कहते हैं कि इस पत्थर की मूर्ति से भली तो वो पत्थर की चक्की है जिसको पीस कर सारा संसार अपना पेट पालता है। तो मूर्ति पूजन के खिलाफ हैं कबीरदास जी, और उन्होंने इस दोहे के माध्यम से ये जाहिर किया है कि मूर्ति पूजन के बजाय हमें अपने व्यवहार के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अच्छा आचरण करना चाहिए, अपने मन से बुराइयों को मिटा करके और अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे आत्मा से परमात्मा का मिलन हो सके। तो इस दोहे के माध्यम से यह भी बताया गया है कि अंधविश्वास की भावना से निकलना चाहिए और अंधविश्वास की भावना से बाहर निकल करके हमें जागरूक बनना चाहिए, समाज तभी उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से पाठ समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर को आप अपनी कॉपी में लिखिए और लिखकर मेरे पास भेजिए। थैंक यू।